Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So today we will start our new topic and the last topic of our chapter, that is respiration. And the name of the topic is the oxygen dissociation curve. Now, first coming to the definition, what is definition? Oxygen dissociation curve means how much percent of hemoglobin is saturated with oxygen at different partial pressure. कि different जो partial pressure होंगे, जैसे partial pressure है PO2 20 है, PO2 50 है या PO2 95 है, तो जब oxygen का different partial pressure हम लेंगे तो उस समय पर hemoglobin जो है वो कितना present होगा उसमें, कितना जो हीमोग्लोबिन है वो सैचुरेटेड होगा ऑक्सीजन से, ठीक है ना. यानी कि हीमोग्लोबिन जो है, आप जानते हैं हमारा एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, लेकिन हमेशा ही वो 4 ऑक्सीजन कैरी नहीं करता है. जब वो चारों के चारों पोजीशन पे ऑक्सीजन को कैरी करेगा तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो 100% सैचुरेटेड होगा, ठीक है ना. तो अगर इससे कम ऑक्सीजन को वो कैरी करता, मान लीजिए 2 करता है, 3 करता है, तो जब डिफरेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स विल कैरी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेस देन 4, दैट मींस देयर इज चेंज इन द सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन. सो व्हाट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व? इट एक्चुअली रिप्रेजेंट द परसेंट सैचुरेशन, कि कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड होगा डिफरेंट ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे. तो अगर हम इसे कर्व के फॉर्म में बनाएं बच्चों, तो ये कर्व जो है वो सिग्मोइड शेप या एस शेप का आता है. और कई बार ये वन वर्ड में पूछ भी लेते हैं दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द नॉर्मल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. सो द शेप इज द एस शेप और द सिग्मोइड शेप. अब हम इसे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे. जब लो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, जब बहुत कम ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है आपके एल्वोलाई में, तो ऑक्सीजन जो है वो आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जुड़ती, ठीक है. तो हमारी ये कंडीशन कहां होगी? लंग्स में तो होगी नहीं, कहां पर होगी? हमारे टिश्यू में. तो दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर द टिश्यू दैट एट वेरी लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन the hemoglobin will not extensively bind to the oxygen and this condition is true for your tissue. Lekin jab intermediate partial pressure oxygen ka aa jata hai, jab oxygen ka jo hai ek normal level jo hai wo pahunch jata hai, us samay pe oxygen jo hai wo bahut tezi se judti hai aapke hemoglobin ke sath. Jaise maine ye chhota sa yahan pe ek diagram banaya hai, yahan pe beech mein hemoglobin molecule hai and it can attach maximum with the 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो जैसे ही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो आपका जो ऑक्सीजन है वो तुरंत ही हीमोग्लोबिन की जो उसकी साइट है जुड़ने वाली हीम जो पार्ट है वहां पर जाके आपका ऑक्सीजन जो है वो जुड़ेगा, ठीक है. और जब एक बार जुड़ना शुरू हो जाता है तो उसके बाद जो है थोड़ा सा और अगर आप ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर को बढ़ाएं तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो और ज्यादा सैचुरेटेड हो जाएगा विद द ऑक्सीजन. सो लिसन वंस अगेन, एट वेरी लो PO2 ऑक्सीजन विल डू नॉट इजिली बाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड एट अ हाई स्लाइटली हाई और इंटरमीडिएट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन द ऑक्सीजन विल इजिली बाइंड टू द हीमोग्लोबिन, ठीक है. और उसके बाद थोड़ा सा भी अगर आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते हैं तो हीमोग्लोबिन फिर जो है उसकी सैचुरेशन जो है वो और ज्यादा होती जाती है, यानी कि उसमें और ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो जुड़ते जाएंगे. अब रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे ये हीमोग्लोबिन है इसके साथ पहला ऑक्सीजन जो है वो जुड़ना थोड़ा मुश्किल है. सो दैट द बाइंडिंग ऑफ द फर्स्ट ऑक्सीजन इज क्वाइट डिफिकल्ट. पहला ऑक्सीजन जो है वो धीरे से जुड़ेगा या आराम से जुड़ेगा, लेकिन जब एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो इट विल प्रमोट द ज्वाइनिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑक्सीजन. वो बाकी सेकेंड और थर्ड ऑक्सीजन को जो है उसकी बाइंडिंग को क्या करेगा? प्रमोट करेगा.
ठीक है। इसी वजह से अगर एक बार आपका इंटरमीडिएट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन का कंटेंट आपके जो है ब्लड में थोड़ा सा भी ज्यादा जो है वो बढ़ जाए, तो हीमोग्लोबिन के साथ वो जो है सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर भी आपके ऑक्सीजन जुड़ जाते हैं और हीमोग्लोबिन आपका बहुत जल्दी जो है वो ऑक्सीजन से सैचुरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट क्या लिखा है हमने, सेकेंड एंड थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ज्वाइन मोर रेडिली मोर इजिली देन द फर्स्ट वन एट हाई पीओ टू। जब बहुत ज्यादा पीओ टू होता है, अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा बढ़ा दें, तो क्या होता है कि ये जो एक्चुअली आपके जहां पर ऑक्सीजन जुड़ा है ये क्या है, हीम यूनिट्स, हीम है ना, हीम के बीच में ऑक्सीजन जुड़ता है। तो जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा देते हैं तो ये जो हीम यूनिट्स हैं इनके बीच का इंटरेक्शन थोड़ी कम हो जाती है और फर्दर इंक्रीज होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन और आप ज्यादा बढ़ा देंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेटा देखो ना ये गाड़ी है, हीमोग्लोबिन एक बस है, जब इसकी सारी सीट्स ऑक्यूपाइड हो गई हैं तो आप अगर बाहर से पैसेंजर्स को लेके भी आ रहे हैं तो लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब बस की सीट्स फुल हो गई हैं तो वो और पैसेंजर्स को नहीं बढ़ा सकता, ठीक है। सो देयर इज नो मीनिंग कि 10 पैसेंजर्स और आ जाएं कि 20 और आ जाएं। हाँ, हमारी लोकल बस की तरह नहीं होता कि एक के ऊपर एक बैठ जाएगा या कुछ खड़े हो जाएंगे, नो, ये जो हीमोग्लोबिन बस है इसमें सिर्फ बैठना ही अलाउड है, वो भी सिंगल सीट पे सिंगल आदमी का। तो इसमें चार ही, ये गाड़ी जो है इसमें चार ही सीट्स हैं और चार ही लोग बैठ सकते हैं, फिफ्थ वन इज नॉट अलाउड। सो व्हेन द हीमोग्लोबिन इज फुली सैचुरेटेड द फर्दर इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस नो चेंज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ग्राफ ये बनाया हुआ टेबल जैसा ही आपने देख लेना है कि जैसे जब 30% सैचुरेशन होती है हीमोग्लोबिन की वो कब होगी, जब 20 mmHg पार्शियल प्रेशर आपका ऑक्सीजन का होगा तो आपका हीमोग्लोबिन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30% सैचुरेटेड होगा। जब 25 mmHg है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 50% सैचुरेटेड होगा। ऐसे ही 40 mmHg आपका जब पार्शियल प्रेशर होगा तो आपका जो हीमोग्लोबिन है अभी भी 75% सैचुरेशन है उसमें। आप जानते हैं ये कंडीशन कहां पड़ी थी, हमने ये पढ़ी थी टिश्यू में, जहां पर अगर आपको याद ना हो तो ये डायग्राम मैं आपके सामने रख देती हूं कि यहां पर हमारा जो ब्लड आ रहा है यहां से, यानी कि लंग से आ रहा है, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था, 95। और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है, ऑक्सीजन यहां पर डिलीवर हो जाती है, तो बचा हुआ जो ऑक्सीजन का प्रेशर है अभी भी 40 mmHg जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो रिमेनिंग है। यहां पर ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, 95 mmHg पर 19.8 एंड एट 40 mmHg इट इज 14.4 ml ऑफ द ऑक्सीजन इज स्टिल प्रेजेंट पर डेसीलीटर और पर 100 ml ऑफ द ब्लड। यहां पे ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितनी है, जब हमने शुरू किया था लंग्स में तो यहां पर हीमोग्लोबिन जो था हमारा 95 to 97% सैचुरेशन थी, लेकिन जब उसने इस वाले ब्लड ने ऑक्सीजन को डिलीवर कर दिया टिश्यू को, इसके बाद भी अभी भी हमारा हीमोग्लोबिन जो है 40 mmHg पर 75% इट इज स्टिल सैचुरेटेड विद द ऑक्सीजन, यानी कि अभी भी हीमोग्लोबिन में काफी ऑक्सीजन जो है वो बाकी है। तो यही सारी चीजें मैंने यहां लिखी, देखो 97 जो कंडीशन है वो कहां पर है, लंग्स में, 97% सैचुरेशन लंग्स में है, जहां पर जो आपका 95 mmHg जो है वो पार्शियल प्रेशर है और कंटेंट कितना है ऑक्सीजन का, 19.8, ठीक है। तो आप जानते ही हैं कि फिर हमारे जो टिश्यू है उसको कितना ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर हो रहा है, कितना ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है, हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज रिसीव्ड बाय द टिश्यू इन द नॉर्मल कंडीशन बाय योर ब्लड व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स, जो लंग से आ रहा है नॉर्मल कंडीशन में, उस वो वाला ब्लड जो है वो किसी टिश्यू को जो है 5 ml तक ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा आपने ये अच्छे से कर लेना है। और अगर 95 के बाद आप और ज्यादा जो है अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा देते हैं, आप 100 कर देते हैं, 104 कर देते हैं, तो सैचुरेशन में जो है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। आगे चल के हमारा ग्राफ जो है वो एक
प्लैटू जो है वो अचीव कर लेता है, यानी कि जो है वो फ्लैटेंड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप और ज्यादा ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ाएंगे बेटा, पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि भाई हमारे हीमोग्लोबिन की जो है वो सारी सीट्स ऑक्यूपाई हैं, तो जितना मर्जी ऑक्सीजन और फर्दर बढ़ाते रहिए, कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें यहां बनाई है बेटा, ये जो चीजें हमने यहां बनाई है, लिखा है ग्राफ में, उसी के बेस पे हमने ये ग्राफ बड़े ध्यान से, बड़ी ही अपनी इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड से बनाना है, क्योंकि इस अकेले ग्राफ को ही बनाने के लिए हम एक पीरियड लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइव क्लास में ये बताना सक्सेसफुल नहीं रहेगा, तो मैं आपको बताती हूं ये ग्राफ कैसे बनाना है, और बड़े ध्यान से जब मैं बताऊंगी तो साथ साथ ही मेरे ड्रॉ करना है। आप मैंने तो प्लेन पेज बनाया है, आप लाइंस वाली जब पेंसिल अपनी यूज करेंगे, अपनी कॉपी, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूं अपने मोबाइल स्टैंड को, ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से दिखे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अब मुझे लगता है क्लियर दिख रहा है।